अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुल्फिकार अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल हीरो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मुझे 3 माह हो चुके हैं इस वाईफाई को, ब्रांडेड मैंने ख़रीदा था। तो चलाने के वक्त इसका बैटरी का बैकअप है वो अच्छी तरह से नहीं है। तो दोस्तों, उसके बाद हमने ये फैसला किया है कि इसके पीठ पर एक और बैटरी फिट कर देंगे, यहाँ एलफी लगाकर फिट कर देंगे और वायरिंग करते थे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि इसकी अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं चार्जिंग ज़ीरो है, मतलब कि लो बैटरी है। तो दोस्तों, हम इसको वायरिंग करते हैं। तो आप दोस्तों, गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाईफाई की बैटरी है और ये आप वीगोटेल मोबाइल की है उसकी बैटरी है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 1500 mAh इसका जो कैपेसिटी है और इस बैटरी का आपको मैं दिखा देता हूँ 4000 mAh इसका पावर है। तो दोस्तों, हम इसको जल्दी से फिट कर देते हैं। जी तो दोस्तों, हमने 2 वायर्स इंसुलेटेड इस बैटरी में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद लास्ट में हम इस बैटरी में कनेक्ट कर देंगे पैरेलल कनेक्शन, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो लॉन्ग वायर्स के सबब जो हमने इस्तेमाल किया है वो इंशाल्लाह मैं आखिर में आप दोस्तों को बता देता हूँ। तो दोस्तों, प्रूफ के साथ आप दोस्तों को इसके वोल्टेज भी दिखा देता हूँ ताकि कुछ दोस्त ऐसे ना कहें कि यार ये फ्रॉड है। कोई फ्रॉड नहीं है, 3.5 वोल्टेजेस इस बैटरी में चार्जिंग है। और उसके बाद ये बैटरी भी आप दोस्तों को चेक करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ मीटर पर देख सकते हैं इस बैटरी के भी वोल्टेजेस तकरीबन सेम है, चार्जिंग होने के बाद ये चेंज हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, लास्ट बार याद ही आप दोस्तों को चेक करने के दिखाने का, तो मैं इसको 5 वोल्ट लीड लगा देता हूँ। आप देख सकते हैं चार्ज हो रही है हमारा वाईफाई डिवाइस। तो मैं लाइट को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र में आ सके। तो दोस्तों, ये बिल्कुल चार्ज हो रही है। तो दोस्तों, इसके एम्पेयर्स भी आप दोस्तों को चेक करवा के दिखा देते हैं कि ताकि आपको यकीन हो सके। तो आप देख सकते हैं कितने एम्पेयर में हमारा बैटरी चार्ज हो रही है, यहाँ आपको मेरे ख्याल में नज़र आ गई होगी। तो 0.58 एम्पेयर, मतलब कि आधे एम्पेयर से ज़्यादा हमारा जो ये बैटरी जो वीगोटेल का लगा हुआ है ये चार्ज हो रही है। तो इसके वोल्टेजेस भी आप दोस्तों को दिखा देते हैं, पहले 3.5 वोल्टेजेस था। तो दोस्तों, मैं इस 2 प्रॉप्स को यहाँ प्लस और माइनस में लगा देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा मीटर के स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आपको शो हो रहा है 3.6 वोल्टेजेस पर ये चार्ज हो रही है, पहले 3.5 पर चार्ज हो रहा था, अब 3.6 तकरीबन इसी तरीके से चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों, ये वायर्स इसलिए लगा दिया है ताकि आप बआसानी से अपना सिम डालकर और निकाल सकें। इसके अपने ही पिन पर ये चार्ज होती है।
तो दोस्तों हमने डबल बैटरी आप दोस्तों के सामने लगा दिया, इंशाल्लाह ये अब 4 घंटे के बजाय 24 घंटा चल सकता है, इंशाल्लाह इतना उम्मीद है। तो उम्मीद है दोस्तों आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल के आइकन को लाजिमी दबाएं ताकि हर वीडियो हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।